चूंकि कार्यक्रम के समापन की तरफ बढ़ रहे हैं, आप दोनों से मेरा एक सवाल है, विपक्ष के नेताओं को और खासतौर पर राहुल गांधी को आप क्या सलाह देना चाहिएगा? ओम प्रकाश जी, वो हमारी सलाह है नहीं मानते तो हमको सलाह का दें? मुलाकात कभी नहीं हुई वो? देखिए, विपक्ष ये मान गया है कि जनता के बीच में चुनाव के बाद जाने के लिए एक बहाना ईवीएम कहते हैं ना, ईवीएम। जब मैनपुरी समाजवादी पार्टी जीती तो माननीय अखिलेश यादव जी एक बार भी ईवीएम पर सवाल उठाए? राहुल जी चुनाव जीते तो कभी ईवीएम पर सवाल उठाए? जब ये जीतते हैं तो सवाल नहीं, हारते हैं तो सवाल। तो अभी से ये लोग मान गए हैं कि हम लोग तो आप राहुल जी को सलाह नहीं देंगे? हम सलाह नहीं देंगे। आप दीजिएगा कोई सलाह, आखिरी सवाल है। देखिए, राहुल जी से हमारी मुलाकात हुई, 40 मिनट की बात भी हुई और उनसे पूरा बताया भी। उस समय तब मैं बीजेपी के साथ नहीं आया था जी, लेकिन उनके पास एक भी सवाल का जवाब नहीं था कि सारी जातियां जब थी तब सत्ता में आप थे, लेकिन जब मालवंकर हाल में निषादों के एक नेता होते हुआ करते थे जो है बी रामचंद्रन राव, पूरे देश के निषाद जो नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन, मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो उस जमाने में राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और दो बार बैठक किया, दोनों बैठकों में आवाज़ उठी समाज का। लेकिन आपके जो एससी में पहले से लेदर मैन है उनकी बात मानकर आप नहीं, अन्य जातियों का जो हिस्सा है वो लेदर मैन मिल्क मैन और देंगे तो बाकी जातियां उपेक्षित रहेंगी। तो ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क है, वंचितों की, दलितों की, दबे कुचलों की वो बात कहते हैं लेकिन उनके लिए सोचते नहीं, वो कहते हैं वो करते नहीं, करते नहीं। चलिए, इसके मतलब समय इतना ही था। संजय जी, एक सलाह दिया, जो राज्य सरकारें आपकी हैं अगर आप उन राज्य जो कहते हैं उन राज्य सरकारों से करा दीजिए तो जनता विश्वास करेगी। तो इसका मतलब कुछ नहीं है, वो खाली कहते हैं करना नहीं उन्हें। ठीक है, एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।